वेलकम फ्रेंड्स, जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। आज की जो वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन एक कॉमन रूटीन क्वेश्चन है जो अक्सर पहले एग्जाम्स में पूछा भी जाता था और अभी भी ये क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना पहले रखता था। क्वेश्चन ये है कि इन अ क्लास 60% ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैथमेटिक्स, 45% लाइक साइंस एंड 25% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ये एक्चुअली वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से बनाते हैं हम क्वेश्चन को कि दो सेट होते हैं और दो सेट में कुछ पार्ट कॉमन होता है। ये जैसे मान लो सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये जो पार्ट आता है वो कॉमन पार्ट आता है। तो हम इस सेट में ए को अगर हम मैथ्स मान लें, मैथ्स पे इंटरेस्टेड बच्चे मान लें, और बी को हम अगर साइंस पे इंटरेस्टेड बच्चे मान लें, तो ये जो बीच का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये कॉमन पार्ट होगा जिसमें मैथ्स और साइंस दोनों के इंटरेस्टेड बच्चे आ जाते हैं। तो इन 60% ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैथमेटिक्स एंड 45% लाइक साइंस एंड 25% लाइक बोथ। ये जो 25% है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसमें 25 लोग आ रहे हैं। हम 100 के बारे में बात कर रहे हैं, परसेंटेज मतलब हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन 100 पे कर रहे हैं। तो ये 25 है और ये जो पार्ट है जो हमने मैथ्स के लिए रखा था उसमें टोटल 60 थे, 60 में से हमने 25 को माइनस कर दिया तो ये लोग जो 25 है वो इस कॉमन पार्ट के अंदर आ गए। तो 60 में 25 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, 10 पे 5 गया 5 और 5 में 2 गया 3, यानी कि 35 बच गए। तो ये पार्ट हमारा 35 हो गया, ये पार्ट ऑलरेडी 25 था। अब ये वाला जो पार्ट है जो साइंस पसंद करने वाले बच्चे हैं वो टोटल थे 45%, 45% में से 25 तो कॉमन है वो कम कर दें हम तो बचेगा हमारे पास 20%, तो यहाँ पे आ जाते हैं 20%। तो अलग अलग मैं देखूँ अगर पूरे केस को तो अलग अलग में आ जाता है 35, एक हुआ 25 और एक हुआ 20। तो ये वो बच्चे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पसंद करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एटलीस्ट वन, ये जो एटलीस्ट वन वाला पार्ट है वो यहां से मिलेगा। तो ये आ जाएगा 35 और 25, 60, 60 और 20 80। तो ये 80 आ रहा है, मतलब 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कम से कम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पसंद करेंगे। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 80%। आपके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है 80% लिखा हुआ है और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लेट एक्स इक्वल टू 5 to power 4, 7 to power 3 इनटू 19 to power 3, वाई इज इक्वल टू 5 to power 3 इनटू 7 to power 4 इनटू 19 to power 3 एंड z इज इक्वल टू 5 to power 5 इंटू 7 to power 5 इंटू 19 to power 3 एंड w इज इक्वल टू 5 to power 3, 7 to power 3 इंटू 19 to power 4, देन एलसीएम ऑफ x, y, z एंड w इज। आपको ये चारों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम अगर आप नॉर्मल मेथड से जाएंगे निकालने के लिए तो आपको पीढ़ियां लग जाएंगी। तो आप उसके लिए फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर या क्या करना चाहते हैं ये आप देख लीजिए। हम कैसे कर रहे हैं, हमने x को लिख लिया, x है 5 to power 4 इंटू 7 to power 3 इंटू 19 to power 3, y है हमारा 5 to power 3, 7 to power 4 और 19 to power 3, और z जो है हमारा वो है 5 to power 5, 7 to power 5 और 19 to power 3, जबकि w जो है वो है 5 to power 3 इंटू 7 to power 3 इंटू 19 to power 4। अब ये चीजों को थोड़ा सा समझिए कि आप जब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जो जो हायर पावर है उनको आप पिक करते जाइए, जैसे यहाँ 5 to power 4 है, यहाँ 5 to power 3 है, यहाँ पर 5 to power 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 to power 3 है। तो ये सारे आप किसी काम के नहीं रहे, यहां से आपको लेना है 5 to power 5 पूरा। हो गया पहला काम। अब आप 7 पे देख लीजिए, 7 में यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है,
तो यहाँ पर केवल ये आपके काम का है और ये बाकी बेकार है, तो आप यहाँ से 7 to power 5 पिक करिए। अब 19 में आ जाएंगे। 19 में क्या कहता है, 19 to power 3 है, 19 to power 3 है और 19 to power 3 है, ये तीनों जो है वो सेम है, केवल ये जो है वो हाईएस्ट पावर में है, तो यहाँ से आप उठा लें 19 to power 4 को और यही कॉम्बिनेशन आपका एलसीएम आ जाएगा 5 to power 5, 7 to power 5 into 19 to power 4। थोड़ा सा एक पार्ट ये सिंप्लीफिकेशन के लिए रह गया आपका, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो आप 5 into 7 को अगर एक साथ ब्रैकेट पे ले लें तो इट वुड बी बेटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 to power 5 आ जाएगा और ये 19 to power 4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन बी में आपके पास यही ऑप्शन दिया हुआ है, हो सकता है आपको ये इस तरह से भी दे सकता था, आपने जैसा दिया है उसके हिसाब से पिक करना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 35 to power 5 into 19 to power 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रेशियो पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए रेशियो बी आपको दिया है 2:3 का, ठीक है, फिर दूसरा जो दिया है वो है आपको 7b = 9c और थर्ड दिया है 15c = 14d। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब आप क्या करें इनमें, ये तो डायरेक्ट रेशियो में, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो बी रेशियो सी करेंगे तो ये 9:7 आ जाएगा, और इसको अगर आप सी रेशियो डी में करते हैं तो 14:15 आ जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ए और डी के लिए है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ए रेशियो डी की है। देखिए आप क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं उसको समझिए, मैं इसको किस ढंग से लिख रहा हूँ वो आप थोड़ा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आधा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लिखना है वही बस आपका सोल्यूशन है, समझ लो। ए बी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी सी से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सी डी से, अगर ऐसा किया तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, ए बी 2:3 हो गया, बी सी 9:7 हो गया, सी डी 14:15 हो गया। यहाँ पर आप जाएंगे आगे कैलकुलेशन करने तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो यहाँ बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्वियसली ए डी बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा हो जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा, और तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज कैंसिल हो सकती है, ये हो सकती है 3 से हो सकती है, 3 1 जा और 3 5 जा, तो 2 into 2 हो जाएगा 4 और ये 5 into 1 5, तो 4:5 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जाकर के आप इसका टिक लगा सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है विजिटर्स टू शो वेयर चार्ज ₹150 ईच ऑन द फर्स्ट डे, ₹1775 ईच ऑन द सेकेंड डे एंड ₹50 ईच ऑन द थर्ड डे, ₹150 पहले दिन, दूसरे दिन ₹75, तीसरे दिन ₹50 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज कर रहा है एक शो में। टोटल अटेंडेंस ऑन दोज डेज वेयर इन द रेशियो 3:4:13, ये जो रेशियो है ये अटेंडेंस की रेशियो है, मतलब जो लोग वहां पे आ रहे हैं, जो पीपल देखने के लिए आ रही है उसका रेशियो है 3:4:13 का, ये रेशियो है और ये उसके चार्जेस हैं। आपको निकालना है एवरेज, ये ध्यान में आपको क्या निकालना है, एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द होल शो वाज। तो देखिए पहला जो है वो 3 का रेशियो है और उस दिन उनके चार्जेस हैं 150, ठीक। दूसरा पार्ट में आपको ले लेते हैं हम 4 का रेशियो है और उसके चार्जेस है 75। तीसरे पार्ट में हम जाएंगे तो 13 को ले लेते हैं और उसके चार्जेस है 50। और चूंकि इनका एवरेज आपको निकालना है तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, अपान 3 कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर दो, यही आपका काम है। तो 150 into 3 15 * 3 = 45, 450 ये हो गया, और 75 * 4 ये हो जाएगा आपका 300, और ये 13 × 5 = 65, 650, इनको आपको डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 = 10, 10 और 3 = 13 और 1 = 14, 4 + 3 = 7,
ये 450 आ गया, ये 650 आ गया, 4 और 6 10 आ गया, और एक चीज हमने यहाँ पे गलती कर रखी है, वो गलती अगर आप सुधारेंगे तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट बनेगा। देखो हमने यहाँ क्या लिया था, 3 लिया था 3 डेज का, जबकि यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो भी तो देखना पड़ेगा, 3 के साथ +4 है और उसके बाद +13 है, तो ये 4 3 7, 7 और 13 ये हो जा रहा है 20, हम उसको केवल 3 लेके चले जा रहे थे। तो क्वेश्चन को आप ये देख लें कहाँ पर क्या डिवाइड करना है, आपको एवरेज लेना है, तो एवरेज आपको एवरेज का जो फार्मूला है वो कहता है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके एवरेज का फार्मूला है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका जो है वो पीपल है जो अटेंडेंस है उसकी वो 3, 4 और 13 की रेशियो में है, तो आपको इनका सबका सम करना पड़ेगा। तो ये सबका जब आप सम करेंगे तो ये 4 3 7, 7 6 13 और 1 14, 1400 ऊपर आ जाएगा, उसको आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 70, तो आपका आंसर आएगा 70 रुपया, 70 रुपीज आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखें इस तरह के मिस्टेक्स आपसे नहीं होने चाहिए। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, मगर खत्म करने से पहले इस वीडियो की खास बात देख लें। ये कहता है कि वेट ऑफ रीना इज 25% ऑफ मीनाज वेट एंड 40% ऑफ ताराज वेट, मीनाज वेट इज हाउ मच ऑफ ताराज वेट। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो दो तीन चीजें ध्यान से समझिए, आपको कैसे कैसे जाना है। एक है रीना, एक है मीना और एक है तारा। अगर रीना का वेट 100 है तो ये वेट जो है वो 25% ऑफ मीनाज वेट, मतलब ये किसका 25% है, 25% मतलब 1/4, तो ये किसका 1/4 है, ये 1/4 है 400 का, तो मैंने मान लिया कि मीना जो है वो 400 की वेट की है। अब ये जो है साथ ही साथ 40% तारा के वेट की भी है, तो अब तारा का वेट मतलब इस ये जो रीना का वेट है वो 40% ऑफ ताराज वेट है, तो 100 जो है किसका 40% है, 40% कहने का मतलब हुआ 40% को अगर आप परसेंट से फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2 2 4 दो बड़े 2/5, 2/5 ये किसका होगा, 2/5 ये होगा 250 का। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। रीना की वेट हमने 100 kg मान ली, अब kg यूनिट कुछ भी मानो, हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। रीना का वेट 100 है, मीना का वेट 400 है और तारा का वेट 250 है। आपको जो कंपैरिजन करने बोल रहा है वो मीना और तारा के बीच, इन दोनों के बीच में कंपेयर करने बोल रहा है वो, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर कैसे करेंगे, ये देखिए कंपैरिजन कैसे होगा। इसको मैं यही कैंसिल कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 8 40, ये अगर 8 है तो ये 5 है, मतलब डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो 3 का है। कितने में डिफरेंस 3 का है, 3 आउट ऑफ 5, तो परसेंट में अगर निकालूं तो कितना होगा, ये 2 ज्यादा है, ठीक है, मतलब 3/5 मतलब कितना हो जाएगा अगर परसेंट में निकालते हैं तो 3/5 तो 5 20 20 60, 60% परसेंट में निकालते हैं तो ये 60% हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका आंसर कितना बना देगा, 100 प्लस 60, यानी कि 160% आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी में आपको आंसर दिया हुआ है, आप इस पे टिक लगा सकते हैं। तो ये आप अपने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका बढ़िया एग्जांपल था ये क्वेश्चन। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने क्वेश्चन इसी तरह बनाते रहिए, नए नए ट्रिक्स और नए नए शॉर्टकट्स यूज करिए, लेकिन शॉर्टकट यूज करने से पहले उसकी बेसिक जरूर समझिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो ये इस तरह के शॉर्टकट्स आप केवल याद रख पाएंगे और किस क्वेश्चन में कैसे उसको यूज करना है ये आप हर बार परेशान होते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।